क्या आप जानते हैं कि इतिहास में केवल ऐसा एक ही बार हुआ है जब दादा बेटा और पोता यानी एक ही वंश और एक ही परिवार की तीन पीढ़ियां एक ही दिन एक ही स्थान पर एक ही युद्ध में एक दूसरे के सामने बलिदान हो गई हो। यह घटना घटी थी हल्दीघाटी के युद्ध में और इसमें बलिदान होने वाले थे ग्वालियर के राजा राम शाह तोमर। इनके साथ इनके तीन पुत्र शालिवाहन सिंह, भवानी सिंह एवं प्रताप सिंह और इनका पोता 16 वर्षीय बलभद्र सिंह। इन सभी ने हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ते हुए अपने प्रमुख सहयोगियों दाऊ सिंह सिकरवार, बाबू सिंह भदौरिया और सैकड़ों राजपूतों के साथ अपने प्राणों का बलिदान दिया। हल्दीघाटी के युद्ध में इनके योगदान का सम्मान करते हुए महाराणा प्रताप के पोते और तत्कालीन मेवाड़ के महाराणा करण सिंह ने सन 1624 ईस्वी में रक्त तलाई में दो छतरियां बनवाकर शिलालेख लगवाया। रक्त तलाई में मौजूद ये छतरियां आज भी हल्दीघाटी के युद्ध में घटे उस महान बलिदान की याद दिलाती है। आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसा बलिदान देने वाले ये वीर पराक्रमी योद्धा कौन थे, कहां से आए थे। निश्चित रूप से आप इन योद्धाओं के बारे में जानना चाहोगे। बात तब की है जब मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला बाबर हिंदुस्तान में अपने पैर पसार रहा था। इस साम्राज्य विस्तार के लिए बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में ग्वालियर के राजा मान सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने इब्राहिम लोदी के साथ अपने सहयोगी संबंधों की वजह से उसकी तरफ से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। पानीपत के युद्ध के बाद मुगलों ने धीरे धीरे ग्वालियर पर भी अधिकार कर लिया। ऐसे में मात्र 12 वर्ष की उम्र में ही राम सिंह तोमर को ग्वालियर छोड़कर चंबल के बिहेड़ों में रहना पड़ा। राम सिंह तोमर ने सन 1540 से लेकर सन 1558 ईस्वी तक लगातार 18 वर्षों तक बार बार ग्वालियर को दोबारा अपने कब्जे में लेने का जी तोड़ प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। सफलता नहीं मिलने पर इन्होंने मुगलों की दास्ता स्वीकार करने की बजाय अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए चित्तौड़गढ़ के महाराणा उदय सिंह के पास आना बेहतर समझा। महाराणा ने भी पूरे सम्मान के साथ इनका स्वागत किया। मुगलों के विरुद्ध लगातार 18 वर्षों के उनके संघर्ष को देखते हुए महाराणा उदय सिंह ने इन्हें शाहों का शाह की उपाधि से सम्मानित किया। इस उपाधि के बाद से राम सिंह तोमर को राम शाह तोमर के नाम से जाना जाने लगा। इसके साथ महाराणा उदय सिंह ने इन्हें ग्वालियर के राजा के नाम से भी संबोधित किया और ग्वालियर के राजा के रूप में इन्हें मान्यता दी। इसके साथ ही महाराणा ने अपनी एक पुत्री यानी महाराणा प्रताप की एक बहन की शादी भी राम शाह के बड़े पुत्र शालिवाहन से कर दी। जब चित्तौड़ के दुर्ग पर अकबर ने अधिकार कर लिया था तब राम शाह तोमर भी महाराणा उदय सिंह के साथ उदयपुर के पहाड़ों में आ गए। सन 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाने में राम शाह तोमर का मुख्य योगदान रहा था। हल्दीघाटी में आमने सामने का युद्ध नहीं करने और मुगलों को पहाड़ों के बीच में लाकर युद्ध करने की रणनीति भी राम शाह तोमर ने ही बनाई थी। हल्दीघाटी के युद्ध में इन्होंने मेवाड़ की सेना के दाएं भाग का नेतृत्व किया और युद्ध में मुगलों को भयंकर टक्कर दी। युद्ध में लड़ते लड़ते इनके साथ इनके तीनों पुत्र शालिवाहन सिंह, भवानी सिंह और प्रताप सिंह और इनके 16 वर्षीय पोते बलभद्र सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। बलभद्र सिंह शालिवाहन सिंह के पुत्र थे। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी शहादत और बलिदान के बाद भी राम शाह तोमर की ना तो इतिहास में ज़्यादा पहचान बनी और ना ही इन्हें सम्मानजनक स्थान मिला। इनका पूरा जीवन 12 वर्ष की उम्र से ही संघर्षों में बीता। इन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए चंबल के जंगलों में भटकते हुए अपनी मातृभूमि ग्वालियर को वापस पाने के लिए मुगलों के खिलाफ लगातार 18 वर्षों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप भी इनके इस गुण से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने भी मरते दम तक मुगलों की गुलामी करना स्वीकार नहीं किया। राम शाह तोमर ने मेवाड़ में आने के बाद महाराणा उदय सिंह का हमेशा साथ दिया। उदय सिंह की मौत के बाद महाराणा प्रताप का भी पूरी वफादारी के साथ में साथ निभाया।
चूंकि राम शाह तोमर 18 वर्षों तक चंबल के जंगलों में रहकर मुगलों के खिलाफ छापामार तरीके से युद्ध कर चुके थे, इसलिए इन्होंने अपने अनुभव का उपयोग कर महाराणा प्रताप की सेना को भी छापामार तरीके से युद्ध लड़ने की शिक्षा दी। महाराणा प्रताप शुरू से ही राम शाह तोमर के संघर्षपूर्ण जीवन से बहुत प्रभावित थे। महाराणा प्रताप ने इनके जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा, जिसकी झलक महाराणा प्रताप के जीवन में भी दिखाई देती है। आप तुलना कीजिए कि जिस तरह से राम शाह तोमर का पूरा जीवन मुगलों से अपनी मातृभूमि को वापस पाने में लड़ते लड़ते बीत गया, ठीक उसी तरह महाराणा प्रताप का भी पूरा जीवन संपूर्ण मेवाड़ को वापस पाने में बीत गया। दोनों ही योद्धाओं ने अपने जीवन का ज़्यादातर संघर्षपूर्ण समय जंगल में गुजारा और अंत में अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। मेवाड़ में रहते रहते राम शाह तोमर ने मेवाड़ को ही अपनी मातृभूमि मान लिया था। इतना बड़ा बलिदान देने के बाद भी राम शाह तोमर वो वीर योद्धा हैं जिन्हें ना तो चंबल में, ना ग्वालियर में और ना ही मेवाड़ में लोगों ने याद रखा। दरअसल ग्वालियर का इनसे कभी भी सीधा संबंध नहीं रह पाया, चंबल इनको छोड़ना पड़ा और मेवाड़ के लिए ये हमेशा ही बाहरी रहे। इन्हीं तीनों कारणों से ना तो ग्वालियर, ना चंबल और ना ही मेवाड़ में इन्हें कोई याद रख पाया। अपनी मातृभूमि ग्वालियर और अपने आश्रयदाता मेवाड़ के लिए तीन पीढ़ियों सहित मरने वाले इस वीर को उचित सम्मान जरूर मिलना चाहिए।